नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले से जुड़े वादी आशुतोष पांडे को जान से मारने की धमकी मिली है। पाकिस्तान से आए ऑडियो मैसेज में कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर उनका खेल खत्म कर दिया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। इस निमंत्रण को लेकर शरद पवार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को पत्र लिखकर आभार व्यक्त किया। भारतीय शेयर बाजार की आज निराशाजनक शुरुआत हुई है। सेंसेक्स 1130 और निफ्टी 370 पॉइंट नीचे खुला है। बैंक निफ्टी में भी 1552 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। HDFC बैंक के तिमाही नतीजों के बाद बुधवार को खुले बाजार में निराशा दिखाई दी। आज सुबह 7 बजे ली गई नवनीतम सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिलता है कि आधी रात के बाद से बिहार, पूर्वी यूपी, उत्तरी एमपी और दिल्ली में कोहरा कम हो गया है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है और कुछ घंटों तक जारी रहने की संभावना है। कोहरे की वजह से दिल्ली से आने वाली ट्रेनें देरी से चल रही हैं। 20 ट्रेनें अपने समय से लेट चल रही हैं। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को यह निर्धारित करने के लिए सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है कि कौन सा गुट असली शिवसेना है। ठाकरे का यह बयान 10 जनवरी को नार्वेकर के हालिया फैसले के बाद आया है। शरद पवार नेत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को कहा है कि उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा अयोग्य करार नहीं दिए जाने के खिलाफ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का मुंबई उच्च न्यायालय का रुख करना और कुछ नहीं, महज एक नाटक है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के सुदूर गरडेवाड़ा इलाके में 1000 से अधिक लोगों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर महज 24 घंटे के भीतर पुलिस चौकी स्थापित कर दी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति स्थापित की जाएगी। 5 साल के रामलला की बाल रूप वाली इस प्रतिमा में वह कमल के फूल पर खड़े नजर आएंगे और उनके हाथ में धनुष और बाण भी रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सूबे के अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। 5-6 साल पहले इस बात की कल्पना की गई थी, पर आज यह हकीकत है। प्रभु की नगरी में जो भी आज दिख रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। मंगलवार के रात स्टेशन पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार कोच से इंजन को अलग करने के दौरान छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस सिग्नल तोड़कर स्टॉप करके ऊपर चढ़ गए। इस हादसे के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बुधवार को पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर की श्री मंदिर परिक्रमा यानी जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इस कॉरिडोर को 943 करोड़ की लागत से बनाया गया। NCP अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विवादित परिसर का ताला खुलवाया था और यह मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया था, लेकिन इसका पूरा श्रेय BJP के लोग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर अब पूरी तरह से बन जाएगा, तब वो भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे। संसद से निलंबन के बाद महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने के लिए कई नोटिस दिए गए, लेकिन उन्होंने बंगला खाली नहीं किया। वहीं सरकार ने अब उन्हें अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर अब उन्होंने सरकारी बंगला खाली नहीं किया तो उन्हें जबरन वहां से निकाल बाहर किया जाएगा। टीम इंडिया T20 सीरीज का तीसरा मैच बंगलोर में खेलेगी। उसने अफगानिस्तान को शुरुआती 2 मैचों में हराया है। अब वो क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 19 जनवरी से हो रहा है। इस बार अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका करेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल और उनके पति भरत तख्तानी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर के अनुसार ये कपल अब एक दूसरे से अलग हो गया है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर रिलीज होने जा रही है। इसमें उनके अपोजिट दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। फिल्म के ट्रेलर को फैंस से अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं और इसे साल 2024 की मोस्ट प्रॉमिसिंग फिल्मों में से एक माना जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बार फिर से महंगाई को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि महंगाई केंद्रीय बैंक के एजेंडा में टॉप पर है। खाद्य महंगाई मौसम पर निर्भर होने की वजह से काफी अनिश्चित है। ऋषभ पंत पिछले कई महीनों से बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहेबिलिटेशन से गुजर रहे हैं और जब तीसरे T20 मैच के लिए टीम इंडिया बेंगलुरु के M. चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए पहुंची तो ऋषभ पंत भी अपने टीममेट से मिलने पहुंच गए और काफी वक्त उन्होंने साथ में बिताया। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज पर यूं लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ NBC न्यूज पर। नमस्कार।